हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारी मास सीरीज में। दोस्तों, इस मास सीरीज के अंतर्गत आपकी तैयारी को एकदम रणनीतिक, ठीक है, समग्र इसके उद्देश्य से बनाने के लिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई गाइडेंस की कमी नहीं रहे, इसलिए हमने मास सीरीज चलाई है। और इसमें दोस्तों पूरा बेसिक से आपका सिलेबस कवर किया जा रहा है, बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट, है ना। बेसिक में कॉन्सेप्ट भी है आपका, इसके अलावा इसमें फैक्ट्स भी है, और इस साथ साथ करंट अफेयर के लिए भी आपको पूरी तैयार की जा रही है। बेसिक के अंतर्गत दोस्तों हमने यदि अभी जो मेन जो चीज चल रही है पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ठीक है ना। इनमें आपको बेसिक तो पढ़ाया जा रहा है, साथ साथ आपको एनसीईआरटी भी हम पढ़ा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चल रही है। हिस्ट्री की एनसीईआरटी में 6th क्लास की एनसीईआरटी में कंप्लीट होने वाली है। इसके साथ दोस्तों आपको प्री के क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन, है ना, मेंस की आंसर राइटिंग है, उसका भी ग्रुप हमारे पास बना हुआ है, उसमें आपकी आंसर राइटिंग होती है। और आपको डेली बेसिस पे हम 2 क्वेश्चन आपको शेयर करते हैं, हमने लगभग 1 PDF शेयर कर रखी है। नेक्स्ट आपको लगभग 1.5 तक के क्वेश्चनों के लिए, वो सारे क्वेश्चन आपके प्री क्वेश्चन आपके GS2 में पॉलिटी पार्ट से हैं, क्योंकि हम उसको पढ़ा चुके हैं काफी हद तक। उसमें से जो जो चीज हमने पढ़ाई है उसके क्वेश्चन आपको हम दिए गए हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से उनको समझें, और हमारी द्वारा जो पढ़ाई गई चीजें हैं उनको आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या हम आपको समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे, वो सारा उससे पता लग जाएगा। इसलिए दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो उन सारे वीडियो को जरूर देखें। अगर आप 2023 और 2024 में UPSC और स्टेट PCS की एग्जाम की सीरियस तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको चैनल को ज्वाइन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उन वीडियोज को, उन जो चीज़ें हम आपके द्वारा हमको बता रहे हैं उनको फॉलो करें। ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप कोई भी एग्जाम्स में, अगर सच में ही अगर आप सीरियस हो, तो उसकी रियलिटी और डिमांड के आधार पर जाओ, मार्केटिंग पे मत जाओ, ठीक है ना, कि कौन की मार्केटिंग कैसी है, किसके लाइक व्यू सब्सक्राइबर कितने हैं, ऐसे कुछ होने जाना हो कुछ नहीं है। अगर आप सच में ही सीरियस हो तो आप हमेशा किसी भी वीडियो की क्वालिटी देखो कि वो आपके सब्जेक्ट को, आपके डाउट को, आपके सिलेबस को कवर कर रहा है नहीं कर रहा। हम पूरी तरह से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, और ये हमारे नोट्स है जो हमारे पर्सनल इनको यूज किया था अपनी तैयारी के दौरान, और हम आपको वही चीज़ बता रहे हैं जिनको हम पढ़ के एग्जाम निकाले हैं और आगे दोबारा एग्जाम दे रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों बस आप इनको चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज इसी महासीरीज के अंतर्गत हम इकोनॉमी वाला पार्ट पढ़ेंगे, अर्थ व्यवस्था और इंडियन इकोनॉमी को मोस्टली हम देखते हैं इसमें, और पूरा बेसिक से देखें इसमें। हम अभी तक लगभग 6 लेक्चर इसके हो चुके हैं। जिन दोस्तों ने हमारे अगर लेक्चर नहीं देखे, तो दोस्त पिछले लेक्चर जरूर देखें, तभी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि कंटिन्यूटी बना रहना बहुत जरूरी है। और अब हम कंटिन्यू इनको चलाएंगे, और हमारा उद्देश्य है कि कम से कम नवंबर में इकोनॉमी और पॉलिटी को जल्दी कंप्लीट करवा दिया जाए, और इसके अलावा अदर सब्जेक्ट इनको हम जल्दी कंप्लीट करवाएंगे, और अब बहुत जल्दी से हम इसको कंप्लीट करेंगे। आज हमारा इस इकोनॉमी पार्ट के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट तरीके से आपको UPSC स्टेट PCS में, प्री एंड मेंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। और आज इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण है कि आज इंडियन इकोनॉमी के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे गरीबी वाला टॉपिक। दोस्तों ये गरीबी हालांकि सोशल इशू का एक पार्ट है, लेकिन चूंकि इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट में ये है आपके लिए, ये है आपके लिए पढ़ना जरूरी है, आपके सिलेबस का पार्ट है। इसको लेकर के आप ये गरीबी वाला पार्ट आपके लिए सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, सोशल जस्टिस, GS2 का पार्ट है, उसमें भी आपके लिए काम आ सकता है। तो आज हम समझेंगे कि आखिरकार गरीबी की स्थिति क्या है, फिर गरीबी के क्या रूप है, ठीक है ना, अब फिर गरीबी के लिए भारतीय जो गरीबी का मापक है, भारतीय मापक क्या है गरीबी का, इसके अलावा गरीबी की वर्तमान स्थिति को जानेंगे, वर्तमान स्थिति में गरीबी का क्या है। इसके साथ साथ हमें सरकारी योजनाओं के बारे में जानेंगे जो सरकार द्वारा की जा रही है। इसके अलावा नई न्यू इनिशिएटिव्स है कुछ, उनको देखेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम जब करंट में इकोनॉमी वाली आपको मंथली मैगजीन पढ़ाते हैं, उस मैगजीन के अंतर्गत
अदर चीज़ें आपको देख लेंगे। दोस्तों हम इतनी तरीके से कर रहे हैं, सॉरी इतनी अच्छी तरीके से आपको चीज़ें करवा रहे हैं कि डिपेंड आप पे करेगा कि आप उनका फ़ायदा किस तरीके से उठाते हैं। क्योंकि ध्यान रखना, कोई भी क्लास हो, कोई भी लेक्चर हो, कोई फैकल्टी हो, कोई भी टीचर हो, सब अपनी ओर से बेस्ट पढ़ाता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको यूज कर पा रहे हैं। तो हम अपनी ओर से पूरी अच्छी तरीके से इजी वे में आपको चीज़ें बताने की पूरी कोशिश करें। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना उसका फ़ायदा उठा करके एग्जाम क्लियर करते हैं। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं है तो पूछना भी आपका ही दायित्व है, तो इसलिए आपको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। अब इस गरीबी वाले टॉपिक को देखते हैं, इससे जुड़े हुए फैक्ट भी हम बहुत सारे हमने कलेक्ट किए। सबसे पहले हम जानेंगे गरीबी क्या है, ठीक है। इस चीज़ को देखते हैं, सबसे पहले गरीबी क्या है, जब आगे चीज़ें देखेंगे। जैसे मैंने बेसिक सी परिभाषा लिखी है, पॉवर्टी यानी गरीबी। तो गरीबी अगर बात करें तो आपको पता है किस का पार्ट है, ये मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट है। हमने शुरू में पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमी, क्योंकि गरीबी एक सामूहिक स्थिति होती है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे गरीबी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, अब सबसे पहले हम दे रहे हैं गरीबी की स्थिति का, गरीबी क्या है, तो व्यक्तियों या व्यक्तियों का समूह जो अपनी प्रचलित आय पर, यानी उनके पास जो आय है उस पर जीवन की बेसिक नीड्स पूरा करने में असमर्थ है। तो इस स्थिति को बोलेंगे हम, अगर कोई व्यक्ति जिसकी आय इतनी कम है कि वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असक्षम है, तो इस स्थिति को हम बोलेंगे गरीबी, ठीक है। और इस स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों को बोलेंगे हम गरीब, ठीक है। ध्यान रखें, दो स्थिति है, एक है गरीबी और एक गरीब व्यक्ति, ठीक है ना। तो अब दोस्तों इसमें शब्दों को थोड़ा सा देखो, क्योंकि जब भी आपको कोई समस्या का समाधान बताना है, गरीबी का निवारण बताना है, तो हमें किन चीज़ों पर फोकस करना है। तो इसमें इसकी डेफिनेशन में मूलभूत बेसिक नीड, बेसिक्स नीड्स क्या है। अगर कोई व्यक्ति की बेसिक नीड है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कोई बात है रोटी, कपड़ा, मकान, यानी कि खाने की व्यवस्था, पहनने की व्यवस्था और मकान, मकान मतलब रहने की व्यवस्था। दोस्तों ये बेसिक नीडें मानी जाती थी पहले, पहले बेसिक नीड सिर्फ तीन थी, अब बेसिक नीड पांच हो चुकी है। तो आप ये देखो कि अगर कोई व्यक्ति इन बेसिक्स नीड, ये जो उस हर व्यक्ति को उसके मानव होने के नाते ये बेसिक नीड उसकी पूरी होनी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रचलित आय पर, अपनी आय पर इन चीज़ों को पूरा करने में असक्षम है, असमर्थ है, तो वो व्यक्ति गरीबी की श्रेणी में आ जाएगा। अब इन मूलभूत आवश्यकताओं के आधार पर, ये तो एक जनरल परिभाषा है, अब इनके अलग अलग मापक डिसाइड किए जाते हैं किसे गरीब माना जाएगा, तो हम आगे देखेंगे इसको। लेकिन गरीबी की यही बेस्ट नेचुरल क्या होता है, एक परिभाषा है। तो अब जब भी आप गरीबी के लिखो तो ये बेसिक कीवर्ड आप जरूर यूज कर लें। स्टेट पीसीएस में कई बार हमें ये परिभाषाएं लिखनी पड़ जाती है, तो इसलिए इनको आप समझो। कई बार आपको स्टेटमेंट दे दी जाते हैं कि मतलब सच में बेस्ट गरीबी की परिभाषा क्या है, तो कई बार हम उस पर नहीं पहुंच पाते, गलत जगह उस चीज पर पहुंच जाते हैं। तो ये है इस। अगला है, अगर हम आगे देखें तो गरीबी के प्रकार क्या है। दोस्तों गरीबी के कोई प्रकार नहीं है, गरीबी को मुख्य रूप से उसके वैश्विक आधार पर, उसको गरीबी को दो भागों में बांटते हैं, मतलब गरीबी का कैलकुलेशन करने के तरीके के आधार पर ही गरीबी को हम बांटते हैं। जैसे अगर एक बात करूं मैं, एक है सापेक्षिक गरीबी और एक है निरपेक्ष गरीबी। गरीबी यानी पॉवर्टी, पॉवर्टी के दो टाइप है दोस्तों, और एक है सापेक्षिक एक है रिलेटिव। देखिए एब्सोल्यूट, सापेक्ष और निरपेक्ष, ये गरीबी। अब दोस्तों इनमें हम एक एक को देखते हैं कि सापेक्षिक गरीबी क्या है और निरपेक्ष गरीबी क्या है। एक्चुअली में है कुछ नहीं, है तो गरीबी के दो मापक हैं। सापेक्षिक गरीबी का मतलब है कि कोई गरीबी का कैलकुलेशन हम दूसरे से तुलना करके करते हैं, तुलनात्मक गरीबी। जैसे अगर बात करूं मैं, अमेरिका में अगर किसी व्यक्ति के पास कार नहीं है तो वो सामान्यतः गरीब माना जाता है, जबकि इंडिया में अगर किसी के पास कार नहीं है तो गरीबी श्रेणी में नहीं आता, मतलब तुलना करके। क्योंकि तुलनात्मक गरीबी का मतलब है, जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर वर्तमान समय जैसे अम्बानी है, तो अम्बानी मुख्य रूप से किसके, एलन मस्क के, एलन मस्क के इसकी तुलना में क्या है, गरीब।
कंपेरेटली, इसमें कंपेरेटली किया जाता है कैलकुलेशन। इसी प्रकार मैं बात करूं वर्तमान समय में अंबानी है वो अडानी से भी गरीब है क्योंकि उसकी टोटल इनकम उससे कम है। तो इसमें गरीबी का मापक तुलनात्मक होता है और तुलनात्मक का मतलब है कि इसमें आय असंतुलन को बताया जाता है कि आय असंतुलन के आधार पर देखा जाता है कि कोई व्यक्ति कितना गरीब है। इसमें बेसिक नीड का फेंडा नहीं है, इसमें बेसिक नीड नहीं देखी जाती, इसमें तुलनात्मक रूप से देखा जाता है कि वो व्यक्ति उससे कितना गरीब है। तो इसलिए सापेक्ष गरीबी एक तरह से कंपेरेटिवली होती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति की इनकम सैलरी 1 लाख रुपये है और किसी व्यक्ति की इनकम 10,000 है तो माने 10,000 वाला व्यक्ति इसकी तुलना में क्या है, गरीब है। तो ये है आपकी सापेक्ष गरीबी, ठीक है ना। और सामान्यतः जो डेवलप्ड कंट्री है वो इसी फंडे को यूज करते हैं क्योंकि तुलनात्मक पे चलते हैं, वहाँ गरीबी तो ऐसा था नहीं क्योंकि डेवलप्ड कंट्रियों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बेसिक नीड पूरी नहीं कर पा रहा है। लेकिन वहाँ यह जैसे अमेरिका में अगर किसी व्यक्ति की कार नहीं है तो उसे सामान्यतः दूसरे की तुलना में गरीब मानेंगे, जबकि भारत में व्यक्ति गरीबी की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें आय असंतुलन को देखा जाता है कि दूसरे की तुलना में उस व्यक्ति की आय कितनी कम है, उसके आधार पर उसको गरीब कहा जाता है। इसका निर्धारण के लिए आपने देखा होगा लॉरेंज वक्र आपकी आय असंतुलन को बताता है। IQR मैंने बताया था, ये आपको ये मापक है जो आपको मैंने बताए थे डेवलप डेवलपिंग वाले फेज में लेक्चर 2 या लेक्चर 3 आपको देख दो, इनको अस्थी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से हमने तीनों को बताया गया, आप इनको वहाँ देख सकते हैं। दूसरा अगर बात करें तो निरपेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी में क्या है कि बेसिक एक हम मापदंड डिसाइड कर देते हैं और इस मापदंड से नीचे रहने वाला व्यक्ति गरीब होगा और इस मापदंड से ऊपर रहने वाला व्यक्ति गरीबी की श्रेणी से बाहर रहेगा। और इसी मापदंड को बोलते हैं हम BPL लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी इसके नीचे रहने वाला व्यक्ति गरीब है और इससे ऊपर रहने वाला व्यक्ति अमीर है। अब ये मापदंड हम डिसाइड करते हैं, इस मापदंड के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि मापदंड के नीचे हमने एक नॉर्म्स डिसाइड करते हैं कि जैसे अगर मान लें हमने नॉर्म्स डिसाइड कर दिया, मान लें अगर किसी व्यक्ति को हमने नॉर्म्स डिसाइड कर दिया, अगर किसी व्यक्ति को 3,000 रुपये पर मंथ अगर उसकी इनकम है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3,000 रुपये पर मंथ यदि इनकम है, इससे कम इनकम है तो गरीब है और इससे ज़्यादा इनकम है तो गरीबी से बाहर है। अब चाहे ज़्यादा उसका 10,000, 10 लाख, 1.5 लाख जितना भी हो, और कम चाहे उसका 299 ही क्यों ना, ठीक है। तो यथार्थ निरपेक्ष गरीबी में आपको एक लाइन डिसाइड कर दी जाती है, आपका नॉर्म्स डिसाइड कर दिया जाता है और यदि कोई व्यक्ति इन नॉर्म्स को पूरा नहीं कर पा रहा तो गरीबी की श्रेणी में होता है। अब ये नॉर्म्स समय के साथ साथ चेंज हो जाते हैं, जैसे शुरू शुरू में अगर हम आगे देखेंगे शुरू में इसमें अभी नेक्स्ट आने वाला है कि नॉर्म्स है ये मापदंड समय के साथ साथ चेंज हो जाते हैं दोस्तों। तो अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि सापेक्ष गरीबी क्या है और निरपेक्ष गरीबी क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप जनरल परिभाषा के रूप में समझोगे कि निरपेक्ष गरीबी का मतलब एक बेसिक स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है उससे नीचे रहने वाले सभी व्यक्ति गरीबी की श्रेणी में जाएंगे, और सापेक्षिक का मतलब तुलनात्मक गरीबी, ठीक है ना। अब दोस्तों जैसे मैंने स्टैंडर्ड की बात करी कि गरीबी के लिए हम स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, और स्टैंडर्ड समय के स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, नॉर्म्स बोल सकते हैं, समय के साथ ये चेंज भी होते चले जाते हैं। तो अब देखते हैं कि भारत में गरीबी का जो स्टैंडर्ड्स है वो कैसे डिसाइड किए गए थे शुरू से लेकर के आज तक। तो इसमें स्वतंत्रता से पूर्व से लेकर के और आज तक सारे स्टैंडर्ड ऑब्वियसली समय के आधार पर हम गरीबी के अलग अलग स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, क्योंकि समय में बेसिक नीडों की आवश्यकता कितनी होनी चाहिए वो समय के आधार पर चेंज हो जाती है। जैसे शुरू में हमारी बेसिक नीड सिर्फ 3 होती थी, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन आज बेसिक नीड हमारी 3 नहीं, आज रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, और आज तो और जुड़ गया डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल रीच, ये चीज भी आपकी उसमें जुड़ गई है, ये बेसिक नीड हो गई है आजकल। तो अगर कोई व्यक्ति बेसिक नीडों को अपनी इनकम पर पूरा करने में असक्षम है तो इसका मतलब वो गरीबी की श्रेणी। तो ये नॉर्म समय के साथ डिसाइड किया थे। अब भारत में देखते हैं कि कैसे डेवलपमेंट हुआ, इसी से लेकर के UPSC या स्टेट PCS डायरेक्ट स्टेटमेंट के क्वेश्चन देती है, इसलिए दोस्तों हम इसको पढ़ रहे हैं। तो गरीबी का निर्धारण अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो सबसे पहले दोस्तों सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने गरीबी का मापदंड डिसाइड किया, और उसने बोला उस समय दादा भाई नौरोजी आपको पता 1890-95 की बात है, 1901-2003-4-5 शुरू के स्टार्टिंग फेज की बात है। उस समय 16 रुपये से 35 रुपये तक अगर कोई व्यक्ति 16 से 35 रुपये अगर एक साल में कमा रहा है पर खर्च कर रहा है, ध्यान रखना, अगर एक साल में अगर खर्च कर रहा है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं होगा, लेकिन इससे कम खर्च कर रहा है तो वह व्यक्ति गरीब होगा। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1900 या 1910 के समय 16 या 35 रुपये की कितनी वैल्यू होती थी, आज ये स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा,
आज तो 16 रुपये वाले व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। उस समय अगर 16 से लेकर के 35 रुपये तक अगर कोई व्यक्ति एक्सपेंडिचर कर रहा है तो उसे गरीबी की कर रहा है तो गरीबी की श्रेणी से बाहर है, अगर नहीं कर रहा तो गरीबी की श्रेणी में है। ठीक है, 16 से लेकर के 35 रुपये तक, समझ गए। अब उसके बाद दोबारा चेंज हुआ 1938 में, क्योंकि ये बात तो 1900 के समथिंग की थी। अब 1938 में एक राष्ट्रीय आयोजन कमेटी बैठी। आपको पता है 1938 में स्टेट्स में कांग्रेस के नेतृत्व में जो राज्य राज्यों में सरकारें बनी, उन राज्यों की सरकारों का मुख्य उद्देश्य था जन कल्याणकारी। ठीक है, और जन कल्याणकारी होने के उद्देश्य से उन्होंने क्या किया कि अपनी अपनी नई नई योजनाओं और जनकल्याण के लिए कुछ लोगों का डेटा कलेक्ट किया, और इसी डेटा करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोजन समिति गठित की जिसने गरीबी रेखा निर्धारण करने के लिए कमेटी का डिसाइड किया। तो 1938 में इसमें एक प्रयास और किया गया कि हमें कैसे गरीबी की श्रेणी मान जाएंगी। उसके बाद जिसमें यहाँ पर केटी साय द्वारा गरीबी का निर्धारण किया गया था, केटी साय उस टाइम तत्कालीन उस समिति के मेंबर थे और इसके द्वारा एक गरीबी का निर्धारण किया गया था। लेकिन हाँ, वो एग्जैक्ट बताया नहीं गया कि क्या चीज़ है, लेकिन प्रयास किया गया था। इसके बाद दोस्तों स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद आप सिचुएशन देखो, स्वतंत्रता के बाद 1960-1970 तक कोई बात नहीं हुई, लेकिन इंदिरा गांधी के द्वारा 1970 के बाद जब दोबारा चुनाव लड़ने के लिए प्रयास किए गए तो उस समय उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। तो गरीबी हटाने से पहले उनके पास गरीबी की परिभाषा होनी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने फिर गरीबी के नए नॉर्म्स डिसाइड किए और उसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी और उस कमेटी का नाम था दांडेकर व रथ कमेटी। और दोस्तों 1971 में दांडेकर रथ कमेटी ने एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया, कैलोरी कैलोरी उपभोग। दोस्तों पहले दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, रुपये, अब किया कैलोरी। और इन्होंने कैलोरी डिसाइड करके बोला कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो शहरी क्षेत्र का हो या ग्रामीण क्षेत्र का हो, अगर कोई व्यक्ति पर डे 2250 कैलोरी कंज्यूम कर रहा है तो वह है गरीबी की श्रेणी से बाहर है। ध्यान रखें कितना डिसाइड किया, 2250, यानी कि 2250 अगर कोई व्यक्ति पर डे, कोई व्यक्ति पर पर्सन पर डे इतनी कैलोरी कंज्यूम कर रहा है, वो कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इस कैलोरी कंज्यूम कर रहा है तो उसका मतलब खान पान तो उसको मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय हमारी गरीबी का मापक केवल क्या था, खान पान तक ही सीमित था। तो क्या किसी व्यक्ति को खाना मिल रहा है तो क्या वो गरीबी से बाहर है, उसकी बेसिक नीड अलग है। लेकिन 1971 की सिचुएशन की अकॉर्डिंग ये बात सही है कि अगर किसी व्यक्ति को उस समय खाना पीना रहना, खाना पीना अच्छे से मिल रहा होगा तो उनको गरीबी की श्रेणी से बाहर रखा, तो इसलिए 2250 कैलोरी का मापक रखा दांडेकर एवं रथ कमेटी। ये स्टैंडर्ड डिसाइड किया कि अगर इससे कम अगर मिल रहा है तो गरीब है और इससे ज़्यादा मिल रहा है तो गरीबी की श्रेणी से बाहर है। लेकिन दोस्तों ये शहरी और ग्रामीण दोनों लेवल की ये चीज़ें क्या है, समान रखी थी। 1979 में एक अलग कमेटी का डिसाइड किया, अलग कमेटी। अब इस कमेटी का डिसाइड किया क्योंकि सरकार चेंज हुई, सरकार नई सरकार आई तो नई सरकार ने अपनी परिभाषा देने के लिए एक नई कमेटी गठित की। अलग कमेटी ने बोला कि देखो मापक तो हम कैलोरी मानेंगे लेकिन इसका माप जो मात्रा है वो अलग अलग होगी, शहरी क्षेत्रों के लिए अलग और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। जिसने डिसाइड किया कि यदि कोई व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर शहरी क्षेत्र में वो प्राप्त कर रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त कर रहा है तो वो गरीबी की श्रेणी से बाहर जाएगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आता होगा कि आखिरकार गरीब की जो परिभाषा है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग क्यों रखी। तो दोस्तों शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों की स्टैंडर्ड लाइफ ऑफ लाइफ अलग होती है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो अलग अलग होता है। आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2100 कैलोरी खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, सॉरी शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाद्यान्न की चीज़ें सस्ती मिल जाती है जबकि शहरी क्षेत्रों में महंगी मिल जाती है। तो फिर दोनों में जो व्यय का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है, दोनों में आय के स्रोत अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए दोनों में कैलोरी का मापक भी अलग रखा गया। दूसरा, सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति रहता है वो सामान्यतः शारीरिक श्रम ज़्यादा करता है, खेती में, पशुपालन में, इन चीज़ों में, तो इसलिए उसको कैलोरी की ज़्यादा बेसिक नीड होती है। वहीं शहरी क्षेत्रों में काम करने वाला व्यक्ति मनोवैज्ञानिक ज़्यादा काम करता है फिजिकल के अलावा, इसलिए तुलनात्मक रूप से उनको उतनी कैलोरी की, तुलनात्मक रूप से ध्यान रखना, जरूरत तो उनको भी होती है लेकिन तुलनात्मक रूप से कम होती है इसलिए। तो अब आपने देखा होगा अलग कमेटी ने मापक तो कैलोरी रखा,
लेकिन अर्बन और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग है। ये आपको मैं बता रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे समय चेंज हो जाता है नॉर्म्स चेंज होते जा रहे हैं। इसके बाद अगर आगे बढ़े हम इसमें, इसके बाद हमारे पास आई 1993, क्योंकि देखो आपको पता है कि 1991 में हमने नए सुधार किए, तो हमने बहुत सारी चीजें चेंजेज भी, तो उन्हीं चेंजेजों में अब फिर हमें गरीबी पे फोकस करना था, इसलिए 1993 में लकड़वाला की अध्यक्षता में कमेटी बनी, लकड़वाला कमेटी थी। और इस कमेटी ने ये बोला कि देखो, इस कमेटी ने बोला कि हाँ गरीबी मापक ये सही है जो अलग कमेटी ने दिया है, 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी वाला, 2100 कैलोरी होता है शहरी ग्रामीण, ये मापक सही है। और इसी लकड़वाला कमेटी ने इसी मापक के आधार पर ये बताया कि भारत की 36% पॉपुलेशन गरीब है, कब 93 में, और इसका मापक क्या था, इसका मतलब यह कि 3600 पॉपुलेशन ऐसी थी ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र की जो इस कैलोरी के मापदंड को प्राप्त नहीं कर रही थी, 36% पॉपुलेशन, आप मान सकते हैं बहुत बड़ी जनसंख्या, भारत की लगभग हम कह सकते हैं 1/3 पॉपुलेशन से अधिक गरीब थी। इसके बाद दोस्तों फिर दोबारा धीरे धीरे चेंज हुआ, 2005 में हमने एक कमेटी और चेंज कराई, 2005 में आपको पता है 1991 में हमने नए सुधार करे, तो केवल खान पान ही बेसिक नीड नहीं बची, अब हमारी नई बेसिक नीड हो गई शिक्षा, स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण जीवन। तो इसलिए 2005 में तेंदुलकर कमेटी ने कहा कि भाई कैलोरी तो केवल खाने की चीज़ है, हमें कैलोरी नहीं बल्कि असली अगर गरीबी देखनी है तो कोई व्यक्ति प्रतिदिन कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है। अब वो एक्सपेंडिचर खान पान पे वो कर सकता है, शिक्षा पे वो कर सकता है और स्वास्थ्य पे करता है। तो बेसिक डिसाइड किया कि अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर कितना, इसलिए पर व्यक्ति द्वारा अपने ऊपर किए जाने वाले खर्चे को स्टैंडर्ड माना, ध्यान रखना, अब कैलोरी को हटा दिया, अब खर्चे को स्टैंडर्ड माना, अर्थात गरीबी की परिभाषा को थोड़ा व्यापक किया, पहले गरीबी की परिभाषा केवल खाने तक सीमित थी, अब बोला खर्चे पे, और खर्चे में अगर कंज्यूम में अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में 447 रुपये एक व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति 447 रुपये एक महीने में खर्चा करता है और शहरी क्षेत्रों में 579 रुपये एक व्यक्ति एक माह में खर्च कर सकता है, तो अगर कोई व्यक्ति इनको खर्च कर रहा है तो गरीबी से बाहर है, इनसे अगर कम खर्च कर रहा है तो गरीबी नहीं। अब आप मान सकते हैं अगर किसी परिवार में 5 सदस्य, तो 447 इंटू अगर 5 करेंगे नॉर्मली हम, तो लगभग लगभग इसका 2300 रुपये 2400 रुपये हो जाएंगे। तो 5 फैमिली वाले अगर कोई सदस्य है, परिवार है, तो उसमें उनकी मंथली इनकम 2500 रुपये से अधिक है तो वो गरीबी की श्रेणी से बाहर हो जाएंगे। तो ये डिसाइड किया था तेंदुलकर समिति ने, और तेंदुलकर समिति ने किसको डिसाइड कर दिया, कुल मिलाकर के तेंदुलकर समिति ने कंज्यूम को किया, पर व्यक्ति पर डे कितना कंज्यूम करता है, अर्थात मंथ में अपने ऊपर कितना व्यय करता है। ये तो नॉर्मली गरीबी का जो निर्धारण करता है नॉर्मली हमारा सांख्यिकी मंत्रालय करता है दोस्तों, सांख्यिकी जो CS है वो करता है, और वो उस मिनिस्ट्री का कार्यान्वयन एवं सांख्यिकी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन बीच बीच में आपको पता है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भी अपने लेवल पर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का मापक करने के लिए एक कमेटी और बनाई, और उस कमेटी का नाम था NC-SUCCESS। ये ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने अपने केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय हो सकता है कि अपनी स्कीम्स के माध्यम से देखना चाह रहा था कि हम गरीबों के लिए क्या करें, तो इसके लिए उनको डेटा चाहिए था, तो इन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को फिर क्या दी, सिफारिश दी। इस कमेटी ने अपने स्टैंडर्ड चेंज कर दिए, हो सकता है इस कमेटी ने जैसे अगर 447 की जगह इसने हो सकता है 500-600 कर दिया हो पैसे, इसलिए इस कमेटी ने हमारे यहाँ देश की लगभग 50% जनसंख्या को गरीब माना। इस कमेटी ने अपनी नॉर्म्स इस तरीके से किए होंगे कि उसमें 50% जनसंख्या गरीबी के नीचे आ गई, और करने का तरीका ये है दोस्तों, इसने पर व्यक्ति पर डे कंज्यूम है उसको बढ़ा दिया होगा, और हर हमारी 50% जनसंख्या उस कंज्यूम के अंदर आ गई होगी, तो इसीलिए इसने पता NC-SUCCESS कमेटी ने लगभग 50% जो जनसंख्या उसको गरीब बताया। और क्या आपको लगता है कि कोई सरकार गरीबी का डेटा ज़्यादा मानेगी, कोई भी सरकार अपनी गरीबी का डेटा ज़्यादा नहीं मानेगी, क्योंकि अगर वो गरीबी का डेटा ज़्यादा मानेगी तो फिर उसको जनकल्याणकारी जो योजना है वो ज़्यादा लोगों के लिए चलानी पड़ेगी, उनको ज़्यादा फायदा देना पड़ेगा, ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, और फिर सरकार के ऊपर भी दबाव आएगा, भाई गरीबी आपके टाइम पर तो बढ़ी है, इसलिए सरकार ने इसकी अनुशंसा को नहीं माना। फिर आगे क्या हुआ, 2013 में योजना आयोग ने अपनी गरीबी का आंकड़ा करने के लिए सचिन तेंदुलकर की समिति के आधार पर अपना डेटा दिया। सचिन तेंदुलकर की समिति वही बोल रही थी जो बोल रही थी कि अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति 479 रुपये
और शहरी क्षेत्र में कोई व्यक्ति चार नहीं ग्रामीण क्षेत्र में 447 और शहरी क्षेत्र में कोई व्यक्ति 519 रुपये पर व्यक्ति पर मंथ अगर खर्च कर रहा है तो गरीबी की श्रेणी से बाहर। इन्हीं नॉर्म्स के आधार पर 2012 में हमने डेटा निकाला और डेटा ये निकला कि 2004-05 में हमारी गरीबी की जनसंख्या 37% थी, जो 2011-12 में घट करके कितना हो गई 22%। और दोस्तों इसी ड्यूरेशन में भारत ने लगभग 27 करोड़ लोगों को गरीबी की श्रेणी से बाहर निकाला, ये बड़ा अचीवमेंट था हमारा। और अभी न्यूज़पेपर में थोड़ा सा और डेटा आया, अब हमारी जो नई सरकार आई थी इसने 2014 के बाद 2019 तक लगभग एग्जैक्ट मुझे डेटा याद नहीं, लेकिन इन्होंने भी कम से कम 10 करोड़ 12 करोड़ लोगों को गरीबी की श्रेणी से बाहर निकाला है, ठीक है। और जो ये जो 2013 में जो डेटा जारी किया गया था उसका मापक था कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति 816 कमा रहा है और शहरी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपये कमा रहा है या खर्च कर रहा है पर एक व्यक्ति एक महीने में 1000 रुपये अगर खर्च कर रहा है तो गरीबी की श्रेणी से बाहर है और इससे कम है तो गरीबी की श्रेणी में। इन ये मापक माने हमने ये स्टैंडर्ड डिसाइड किए और इन स्टैंडर्ड के आधार पर दिखाई कि 2013 में हमारी जनसंख्या लगभग 21% गरीब है, अर्थात हमने अपनी गरीबी को बहुत कम किया। इसी दौरान 2012 में एक कमेटी और बनाई, रंगराजन कमेटी, लेकिन रंगराजन कमेटी ने 816 की बजाय 1000 कर दिया था और 1000 की बजाय 1200 कुछ ऐसे कर दिया था, तो इसमें 21% की बजाय 29% पब्लिक जनसंख्या आ गई थी। अब आपको पता है कोई सरकार अपनी गरीबी का डेटा बढ़ा नहीं चाहेगी, इसलिए रंगराजन कमेटी की अनुशंसाओं को भी सरकार ने नहीं माना। तो कुल मिला के इसमें एक चीज़ हमारे मन में यह आई कि हमारे यहाँ जो गरीबी का है स्ट्रक्चर चेंज होता गया, क्योंकि ऑब्वियसली समय के साथ नॉर्म्स भी चेंज होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक नीडों की परिभाषाएं बदल जाती हैं। और ऑब्वियसली 1900 नेहरू जी ने की थी 1900 के समथिंग, उस समय 1 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, इसलिए 16 रुपये अगर कोई व्यक्ति एक साल में कमा रहा तो बहुत थे। लेकिन आज उन 16 रुपयों की वैल्यू उतनी नहीं है क्योंकि रुपये का डेप्रिसिएशन हुआ है, मनी का इन्फ्लेशन हुआ है, ठीक है ना, ये तो आप जानते हैं। इसलिए उस समय का डेटा आज तो काम नहीं आएगा, आज तो हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए आज हम लगभग 1000 रुपये शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति खर्च कर रहा है तो ग्रामीण क्षेत्र में कितना करता है 816 रुपये डिसाइड किया है। अब इसको हो सकता है कि उसके बाद और रिपोर्ट आए तो और बढ़ा दें, क्योंकि समय के साथ साथ इसका मापक बढ़ रहा है। ये तो दोस्तों हमने डिसाइड किया था, लेकिन हमने गरीबी को मापक करने के लिए आपको एक मापक और डिसाइड किया था। हमने असली गरीबी का मापक वो करता है MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। आप लेक्चर 2 में जाकर के इसको देखें, लेक्चर 2 और 3 में जहां हमने विकास के विभिन्न मापक बताए उन्हीं में MPI को भी आपको बताया हुआ है, तो आप जाकर के इसको देखें, वहां गरीबी का एक असली मापक निकल गया MPI, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, एक चीज हमारे समझ में आई होगी इसको देखने के बाद कि जो गरीबी है ये कोई इसकी जो परिभाषा फिक्स नहीं होती, हम नॉर्म्स डिसाइड करते हैं और नॉर्म्स के अंतर्गत कोई व्यक्ति अगर उसको उन नॉर्म्स को प्राप्त कर लेता है तो गरीबी श्रेणी से बाहर है, अगर कोई व्यक्ति गरीबी श्रेणी उन नॉर्म्स को प्राप्त नहीं करता गरीबी श्रेणी के अंदर आ जाए। इसके बाद जब हमारे मन में एक बात आपने सुनी होगी, ये आया था मन में कि नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति को 816 रुपये अगर कोई व्यक्ति एक महीने में एक व्यक्ति पे खर्च कर लेगा और 1000 रुपये शहरी क्षेत्र में अगर कोई एक व्यक्ति एक महीने में अपने ऊपर खर्च कर लेगा तो ऐसी स्थिति में गरीब नहीं रहेगा। अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों को पूरा कर रहा है, जैसे मान लें अगर किसी व्यक्ति के पास 816 रुपये हर महीने खर्च करने के लिए है, किसमें, ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये उसके पास है शहरी क्षेत्रों में, तो फिर वह व्यक्ति डेफिनेटली गरीबी की श्रेणी के इस नॉर्म से बाहर हो जाएगा। तो हमारी जो जनसंख्या है 21% जनसंख्या जो गरीबी की है वो इन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पा रही, इसलिए गरीब है। तो हमारे मन में आया था कि जब 816 रुपये अगर उस व्यक्ति को मान लें इसको दे दे सरकार 816 रुपये हर महीने तो गरीबी की श्रेणी से बाहर है। तो हमारे सरकार द्वारा इस गरीबी के निपटान करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही थी। आपने देखा होगा गरीबी बच्चों के लिए मिड डे मील योजनाएं चलाई थी हमने, इसके लिए हम आगे देखेंगे योजनाएं सारी आपको बताएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, जैसे मैं बता देता हूँ थोड़ी सी आपको ताकि आपको नजर मिले। सरकार द्वारा इन गरीबी के निपटान के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है, जिसका एक डेटा ये ले रहे बीजन किस से, जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण शहरी योजना, मनरेगा योजना, PM किसान निधि योजना, PM आवास योजना, एकीकृत बाल विकास योजना, इतनी योजनाएं जब हमने गरीबी निपटान के लिए चला रखी है तो इनमें तो सरकार का करोड़ों रुपये खर्च हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा रुपये खर्च हो रहा है, लेकिन अभी भी जनसंख्या हमारी गरीबी से बाहर नहीं हो पाई, 21% है।
और क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति 816 रुपये ग्रामीण क्षेत्र का और 1000 रुपये शहरी क्षेत्र का इनको क्या नहीं कर रहा, उनको खर्च करने के लिए पैसा नहीं मिल रहा। तो एक 2017-18 के एक इकोनॉमिक सर्वे ने एक सुझाव दिया, उसने बोला, उसने सुझाव दिया यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यानी कि अगर इस व्यक्ति को 816 रुपये एक महीने में चाहिए और अगर इसको 816 रुपये एक महीने में खर्च करने के लिए मिल गए तो गरीबी से बाहर हो गए। तो बोला कि एक बार इसको 816 दे ही दो, पूरी जनसंख्या को एक बार 816 दे ही दो, अपने आप ही पूरी जनसंख्या गरीबी से बाहर निकल जाएगी, गरीबी आपकी जीरो हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट के लिए यूनिवर्सल बेसिक कॉन्सेप्ट का थ्योरम आया था। अब उसको देखते हैं, फिर इन चीज़ों को देखेंगे हम दोस्तों अच्छे से। जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसका मैं बैकग्राउंड कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद हम आपको उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट आया था और ये चुनावों बहुत ज़्यादा चला था, जिसमें कांग्रेस सरकार कह रही थी कि हम हर परिवार को 7000-8000 रुपये देंगे, है ना। फिर हमारी अदर बीजेपी गवर्नमेंट, अदर पार्टी की गवर्नमेंट कह रही थी कि हम इतने रुपये देंगे ताकि गरीबी खत्म ही हो जाए, हर गरीब व्यक्तियों को इतना पैसे दिया जाएगा अपने आप गरीबी खत्म हो जाएगी। तो वहीं से आया था यूनिवर्सल बेसिक इनकम का फंडा। हालांकि यूपीएससी ने कभी डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा नहीं अभी तक, लेकिन ये चूंकि बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा 2017-18 के 16-17 के इकोनॉमिक सर्वे में और उसके बाद के टाइम पर भी चुनावी फंडों में। और चूंकि दोस्तों नेक्स्ट ईयर काफ़ी राज्यों में चुनाव है और नेक्स्ट ईयर के बाद आपको बताया कि 2024 में हमारे लोकसभा के चुनाव है, तो ऐसी स्थिति में फिर ये चुनावी फंडा बनेगा। तो हो सकता है कि सार्वभौमिक आधारभूत, जो सार्वभौमिक आधारभूत इनकम यूनिवर्सल है ना बेसिक इनकम, ये टॉपिक फिर हाईलाइटेड हो जाए, इसलिए हमें इसको समझने में फिर हम और भी चीज़ देखेंगे, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है? तो दोस्तों यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब शर्त मुक्त, यानी कोई शर्त नहीं लगेगी और हर व्यक्ति को अधिकार दिया जाएगा, चाहे अमीर हो गरीब हो। अगर हमारी पूरी पॉपुलेशन को हम 816 रुपये दे देंगे तो पूरी पॉपुलेशन गरीबी की दर से बाहर निकल जाएगी। तो इसमें बोला है शर्त मुक्त और इसमें बोला गया शर्त मुक्त और सार्वभौमिक अधिकार है जो नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम उनको एक बेसिक इनकम दे देंगे। जैसा कि दोस्तों हमने गरीबी की परिभाषा क्या बोली कि इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसकी आय सक्षम नहीं है, तो हम वो आय दे देंगे यदि इसको जो सक्षम बना देगा इसको, तो गरीबी की श्रेणी से बाहर निकल जाएगा। इसलिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेके आए और इसमें बोला गया कोई, अब देखो जैसे हम मिड डे मील, जैसे मनरेगा, तो मनरेगा हम टारगेटेड लाभार्थियों को देते हैं, इसमें बोला हर व्यक्ति को दे दो ताकि कोई बचेगा ही नहीं। उसी लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि शर्त मुक्त और सार्वभौमिक अधिकार तो नागरिकों की मूलभूत आवश्यकता पूरी करने के लिए है ना एक आधारभूत आय प्राप्त करने का उनको अधिकार देता है, वह है यूनिवर्सल बेसिक इनकम की कॉन्सेप्ट। 2016-17 में इस अवधारणा को इकोनॉमिक सर्वे ने बताया और कहा कि गरीबी की समाप्ति के लिए चल रही सारी योजनाओं को, क्योंकि सारी, जैसे मान लें अगर मैं बोलूं भारत में 130 करोड़ जनसंख्या है और 130 करोड़ को अगर मैं 1000 रुपये भी अगर देता हूं तो कितना हो जाएगा, 130 × 1000 करोड़, यानी कितना हो जाएगा 13000 करोड़। तो भाई सरकार तो गरीबों के लिए 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करती है, क्या 13000 करोड़ रुपये उनको एक साथ नहीं दे सकती? दे सकती है, और सारी योजनाएँ बंद कर दो, क्योंकि हम मिड डे मील भी चलाते हैं, मनरेगा भी चलाते हैं, अंत्योदय योजना चला रखी है, उपाध्याय योजना चला रखी है, इतनी योजनाओं को चलाने में सरकार का खर्चा होता है, उसमें प्रशासन लगता है, लाभार्थियों की पहचान होती है, फिर उनको मैसेज भेजा जाता है, फिर उनको पैसा मिलता है, मतलब इतने फंडे से इतना ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, इसको साइड में रखो, डायरेक्ट हर व्यक्ति के अकाउंट में 800 रुपये डाल दो बस, और जैसे आप 800 डालेंगे हर व्यक्ति अमीर हो जाएंगे, गरीबी खत्म। वही कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। अब इसके हम दोनों साइड देखेंगे कि अच्छा भी है या बुरा भी है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, इसके थोड़ा मूल्यांकन करते हैं, तो मूल्यांकन करके देखते हैं आपसे। और दोस्तों इस प्रकार की योजनाएं अब चल रही है, अब सरकार जैसे किसानों को 6000 रुपये देने लग गई, तो कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी हुई योजना है, ठीक है ना। इसी प्रकार स्टेट आशीर्वाद योजना चल रही है, तेलंगा और ये को रैयती बंधु योजना जो तेलंगाना में चल रही है, तो सभी योजनाओं का बेस यहीं से आया था और इसी कॉन्सेप्ट के बाद ही वो सारी योजनाएं चली थी। जब ये चीज़ लोकप्रिय हुई तो सारी योजनाएं तभी चली थी जब 2016-17 के सर्वे ने ये बात बोली थी। अब इसके पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं, हम इसका थोड़ा रिव्यू कर दें, क्रिटिकल रिव्यू कर दें।
बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को आपको देंगे इन्हीं पॉइंटों के साथ समझा के। बट आपको हो सकता है, यह हमने छोटा शॉर्ट लिखा हुआ है, अब मैं समझाऊंगा तो उसके बाद आपको विस्तार से अपने आंसर में लिख रहे हैं। मैं क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको बना के दूंगा। तो अगर दोस्तों, तो सबसे पहले इसके पक्ष वाले पॉइंट देखें कि ये कितना सही है। दोस्तों अगर सही बात है, एक साथ गरीबी को खत्म कर देगा, एक साथ गरीबी को समाप्त कर देगा, सही बात है। हम अगर 800 रुपये हर व्यक्ति को दे देंगे, 800 1000 रुपये जो भी है, अगर हर व्यक्ति को दे देंगे तो गरीबी से बाहर हर व्यक्ति, तो ये बात तो सही है। अगर हम हर व्यक्ति को दे देंगे तो गरीबी से बाहर जाएगा। दूसरी बात, नगद हस्तांतरण से उपभोक्ता के पास व्यय विकल्प होते हैं। जैसे अभी तक हम क्या देते हैं, किसी को अनाज देंगे, किसी को रोजगार देंगे, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हम पैसे देंगे तो उसके पास विकल्प होगा, वह स्वास्थ्य के लिए भी खर्च कर सकता है, वह शिक्षा के लिए भी खर्च कर सकता है। तो ऑब्वियसली अगर व्यक्ति को कैश में पैसा मिलेगा तो विकल्प होते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है, जो इसमें त्रुटि परसेंटेज जीरो होगा। त्रुटि मतलब हम कई बार त्रुटि इसलिए कर देते हैं कि कई बार आपने देखा होगा बीपीएल में ऐसे व्यक्तियों का सामने नाम होता है जो अमीर होते हैं, उनका भी नाम होता है। कई जगह गाँव में जिसके दो दो लड़के जॉब में, उनका भी नाम, उनके मम्मी पापाओं का नाम भी बीपीएल में होता है। और कई जगह बेचारे बिल्कुल सच में ही गरीब होते हैं, उनका नाम बीपीएल नहीं होता। तो जो वास्तविक लाभार्थी है उनकी सही पहचान नहीं हो पाती, आपको पता है, क्योंकि वास्तविक लाभार्थी पहचान कौन करता है? ग्राम स्तर पर सरपंच प्रधान करते हैं, और सरपंच प्रधान से अगर किसी पड़ोसी की दुश्मनी है तो वो उसको बीपीएल से बाहर कर देगा, ठीक है। तो वास्तविक लाभार्थियों की पहचान में हम गलती कर देते हैं। लेकिन यदि हम हर व्यक्ति, चाहे वो अंबानी क्यों ना हो, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के अकाउंट में 800 रुपये डालेंगे तो उसमें सभी आ जाएंगे, कोई बचेगा नहीं, इसलिए कोई छूटेगा नहीं, ध्यान रखना, ये बात सही है। नेक्स्ट बात यह है कि इसमें व्यक्तियों की आय निश्चित हो जाएगी। अगर आपको बताया कि आपको पता है कोई व्यक्ति बेचारा गरीब है, कोई व्यक्ति गरीब है तो मजबूरी में वो कैसा भी व्यवसाय कर लेगा, उसमें कोई भी काम करवा लो, और चाहे उसको कुछ भी पैसे कुछ भी दे दो उसको। ऑब्वियसली जैसे आपको पता है कि आपके गरीब व्यक्ति है, उसको आप सस्ता काम भी करवा सकते हैं, उसको किसी भी प्रकार काम करवा सकते हैं, श्रम मजदूरी कम दे सकते हैं, तो उसका और शोषण कर सकते हैं, उसका शोषण की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को 1000 रुपये मिलने वाले हैं हर मंथ, तो व्यक्ति थोड़ा चिंता मुक्त हो जाएगा और ऐसी स्थिति में बढ़िया जगह काम ढूंढेगा। इसलिए उसकी श्रम बाजार में भी उस श्रमिक है, हमारे जो लेबर है, उनका पक्ष ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। वो किसी मालिक के वैसे ही झांसे में नहीं आएंगे, वो अच्छे से चेक करेंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी नहीं है। जब हम मजबूरी होती है तो कोई भी काम करने को तैयार हो सकते हैं। लेकिन अगर सरकार डेफिनेटली इस प्रकार की अगर सुविधाएं दे देगी तो मजदूर सोचेंगे यार एक दिन नहीं मिला काम, दूसरे दिन मिल जाएगा, लेकिन अच्छा सा काम करेंगे, ठीक है। ऐसी स्थिति में मजदूरों की स्थिति अच्छी जाएगी। दूसरा, सभी सरकारी योजनाएं उनको हटा दो और उनकी जगह क्या कर दो, डायरेक्ट यूनिवर्सल बेसिक इनकम को चला दो। इसलिए जितनी भी योजनाएं चला रही है उनसे सरकार का प्रशासनिक बहुत ज़्यादा प्रशासन उनके पीछे लगा हुआ है। कोई लाभार्थियों की पहचान कर रहा है, कोई किसी को फंड दे रहा है, कोई मनरेगा चला रहा है, कोई मनरेगा में जयन है, जेई है, एई है, ये मनरेगा पे घूमते रहे कि कोई मनरेगा में काम कर रहा है नहीं कर रहा, कोई मनरेगा के लिए फंड दे रहा है। इतना ज़्यादा इसमें वो होता है प्रशासनिक खर्च, इससे अच्छा है कि सारा खर्चों से हमें मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है, तो इसका फायदा ही होगा। और दूसरी बात दोस्तों, वित्तीय समावेशन बढ़ेगा। हर व्यक्ति को जब आप हर महीने 1000-1000 रुपये देने लग जाओगे तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेगा, और जैसे ही बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेगा उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, वह बैंकिंग और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों में आएगा, और ऐसी स्थिति में उसके फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है उसमें उसको बड़ा मिलेगा। तो ये इसके सकारात्मक पहलू थे कि अगर हम हर व्यक्ति को ये चीज़ें देंगे इतना फायदा हो जाएगा। लेकिन क्या ये सही है गलत है वो देखते हैं। तो अगर इसका नकारात्मक पहलू देखें दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात है कामचोर बढ़ जाएंगे। हमारे यहाँ कल्चर ऐसी है कि अगर किसी व्यक्ति को बैठ के मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है, तो वो काम शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ श्रमिक है सुस्त हो जाएंगे। जब श्रमिक यदि सुस्त हो जाएंगे तो श्रमिक बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि श्रमिक सुस्त हो जाएंगे तो उनकी कुशलता कमजोर हो जाएगी, वो काम करने के इच्छुक नहीं होंगे, इसकी स्थिति में आर्थिक क्रियाकलाप है उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आप फ्री में किसी को पैसा दो ये भी गलत बात, ठीक है। दूसरा, पुरुषों की खर्च ज़्यादा होगा। आपको पता है अगर परिवार को अनाज मिलता है तो डेफिनेटली वो परिवार के सभी सदस्य उसको खा लेंगे, बच्चे खा लेंगे, सभी खा लेंगे, अनाज से जो खाद्यान्न चीज़ें हैं उससे वो अपने आपूर्ति कर लेंगे। लेकिन यदि कैश मिलेगा
और कोई मान ले किसी घर में शराब पीने वाला है तो कैश में एक झटके में शराब में खर्च करके आ जाएगा, फिर उसका परिवार भूखा मर जाएगा। तो यदि अनाज आएगा तो उसको जरूरी नहीं कि शराब में खर्च कर दे, लेकिन अगर कैश दिया तो डेफिनेटली हो सकता है जरूरी शराब में ही खर्च कर दे। ऐसी स्थिति में परिवार में गरीबी का स्तर घटेगा नहीं बल्कि बढ़ और जाएगा, वो शराब पी के उसको खर्च कर देगा तो बच्चे जिनको पहले अनाज मिलता था वो बेचारे भूखे मर जाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात, घरेलू महिलाओं पर घरेलू हिंसा बढ़ेगी, क्योंकि जब पुरुषों के पास पैसा जाएगा वो शराब पी के आएंगे और महिलाओं से लड़ेंगे, ऐसी स्थिति में पुरुषों का महिलाओं पर नियंत्रण ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए कैश जाएगा ऑब्वियसली, अगर घर में आपने देखा होगा सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र में कैश पैसा है उस पर पिता का ज्यादा अधिकार रहता है, और जो घर में अनाज साग सब्जी 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 है ना, वेजिटेबल्स या कोई ऐसा सामान है परचूनी वाला टाइम, तो उस पर डेफिनेटली महिलाओं का ज्यादा प्रभाव है। तो अगर खाद्यान्न वस्तुएं किसी को मिलेंगी तो महिलाओं का प्रभाव रहेगा, लेकिन अगर कैश देंगे तो पुरुषों का रहेगा। और यदि आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अकॉर्डिंग अगर कैश दे देंगे तो वो जेब में जाएगा पुरुषों की में, और पुरुष उसको वैसे ही खर्च कर देंगे, महिलाएं उनके कंट्रोल में रहेंगी, तो इसलिए इसका नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकता। दूसरा दोस्तों, त्रुटि परसेंट 60% है। भाई गरीब तो आपकी जनसंख्या 30% है और आप 100% लोगों को दे रहे हो। अब आप हर व्यक्ति को 800 रुपये भेजेंगे तो क्या अंबानी 800 रुपये की क्या वैल्यू करेगा, उसको क्या फर्क पड़ता है 800 रुपये से? तो अनावश्यक रूप से तो राजकोषीय खर्च बढ़ेगा, तो इसलिए भी ये असफल हो जाती है। दूसरा, अगर ध्यान रखना, एक बार किसी योजना सरकार ने इसको लागू कर दी दोबारा इसको समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि तो अगर कोई सरकार हर व्यक्ति को 6-6 हज़ार रुपये दे रही है और कोई दूसरी सरकार उस 6 हज़ार को खत्म कर दे तो अगली बार उसको चुनाव में कोई वोट ही नहीं देगा। ये एक तरह से आरक्षण जैसा फंड हो गया, आरक्षण को जैसे आप चार हम कभी समाप्त नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी यही है कि अगर ये योजना अगर आपने कर दिया एक बार चालू तो लोगों को लत लग जाएगी, और जब लोगों को हैबिट हो जाएगी, हैबिचुअल हो जाएंगे लोग उसके, और अचानक से कोई गवर्नमेंट इसको बंद करेगी तो फिर डेफिनेटली उसको अगली बार सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। तो कोई सरकार इसको बंद भी नहीं करेगी तो हमारे यहाँ नालायक लोग ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कामचोर बढ़ जाएंगे, काम से सुस्ती हो जाएगी, सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा। इसलिए कई आलोचक बोलते हैं कि ये योजना सही नहीं है। ठीक है ना, सभी नागरिकों को प्राप्त हो तो गरीबों, और जब भाई गरीबों को ऑब्वियसली आपको पता है कि जब हर व्यक्ति को 800 रुपये मिलेंगे, 800 रुपये मिलेंगे तो 800 रुपये अंबानी को मिलेंगे, गरीब व्यक्ति को मिलेंगे, लेकिन गरीब व्यक्ति 800 रुपये से भी वही वस्तु खरीदेगा, और अंबानी जैसा कोई व्यक्ति है वो 800 रुपये से उस व्यक्ति की वैल्यू नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में जब अमीरों के पास और ज़्यादा पैसा आएगा तो वस्तुओं की और कीमत बढ़ जाएगी, तो गरीबों के लिए और महंगा हो जाएगा, 800 रुपये उनका काम भी नहीं चलेगा, तो इसलिए गरीबों के लिए नुकसानदायी हो सकती है। और सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्तों अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायी है। क्यों अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायी? कैसे? एक तो इसमें रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, दूसरा राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, सरकार का खर्चा बढ़ेगा, तीसरा स्किल डेवलपमेंट एकदम डाउन हो जाएगा, स्किल कम हो जाएगा, चौथा इससे सामाजिक प्रभाव भी पड़ेगा, महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, पुरुषों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम दोस्तों एक अच्छा आइडिया नहीं बताया जाता, कई बार इसकी आलोचना भी होती है, ठीक है, क्योंकि इससे आप कामचोर बना रहे हो। ठीक है, तो सुझाव यही दिया इसमें कि देखो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, उसको हो सकता है तुम छोटे लेवल पर, कोई छोटे लेवल पर उसको लागू कर दो, लेकिन जैसे कुछ कुछ चीजों में, जैसे अभी किसानों के लिए हम 2,000 रुपये देने लग गए, ऐसे लागू कर दो जो जरूरत है उसी को। ठीक है ना, और दूसरी बात दोस्तों, गरीबी का यदि आपसे निपटान करना है, गरीबी का यदि निपटान करना है, गरीबी का यदि आपको निपटान करना है तो सबसे महत्वपूर्ण हथियार दोस्तों स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ और एजुकेशन, यानी कि गरीबों को एम्पावर बनाओ, उनको डिपेंड मत बनाओ। आज तक जितने भी गवर्नमेंट आई है हर गवर्नमेंट ने गरीबों को एम्पावर बनाया, किसी को खाने की सुविधा दे देंगे तो किसी को पैसे दे देंगे, लेकिन उसकी गरीबी का हटा सके ऐसी एम्पावर शक्ति, जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति है, अब किसी परिवार को आप 800 रुपये अगर उसको मिल रहे हैं तो क्या 800 से क्या कर पाएगा? वो भी गरीब, उसका बच्चा भी गरीब, उसका बच्चा भी गरीब, पूरी जनरेशन गरीब रहेगी। इससे अच्छा है कि मान लो एक्स परिवार है, इसमें ये परिवार का माता पिता गरीब था लेकिन इन्होंने अच्छी, इनके बच्चे ने अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर ली, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा है, अच्छा स्किल है, इसको अपने आप रोजगार मिलेगा, ये व्यक्ति अपने आप गरीबी की श्रेणी से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए गरीबी के बारे में जब भी आपको कोई क्वेश्चन लिखना हो दोस्तों, हमेशा कंफ्यूजन देना कि हमें गरीब व्यक्तियों को एम्पावर होना हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल, अगर इन पे अगर आप फोकस करेंगे कोई भी देश गरीबी की श्रेणी से अपने आप बाहर निकल जाएगा।
ये मनरेगा, ये पीडीएस सिस्टम, ये खाद्यान्न सिस्टम, ये ज्यादा दिन तक काम कर नहीं सकते। अगर आपको सच में गरीबी को बाहर करना है तो लोगों को एम्पावर करना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये डेटा था मेरा। हमने क्या हुआ कि एक चीज ये थी कि हम 2011 तक हम असलियत में बीपीएल का डेटा नहीं ले पा रहे थे कि बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसका दोस्तों हम डेटा नहीं ले पा रहे। उसका हमारे मन में था कि यार गांवों में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, आप जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े होंगे, गांवों में स्थानीय स्तर पर जो बीपीएल है इसका डिसाइड करता है दोस्तों। स्थानीय स्तर पर कौन डिसाइड करता है? इनका डिसाइड करता है प्रधान या सरपंच बोलते हैं कई जगह इसको, ये डिसाइड करते हैं। अब प्रधान में ऐसे कि ग्रामीण क्षेत्र में आपने देखा होगा कि जिन्होंने इनके पक्ष में वोटिंग दिए हैं वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सबको बीपीएल की श्रेणी में डाल देंगे ताकि उनको बीपीएल का फायदा मिल जाए, और बेचारे जिन्होंने इनको वोटिंग नहीं दी वो सच में भी गरीब होंगे तब भी उनको बीपीएल की श्रेणी में नहीं डाला जाएगा। इसलिए वास्तविक लाभार्थियों की पहचान नहीं हो पा रही थी, तो सरकार ने खुद अपने लेवल पर वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने के लिए 2011 की जनगणना के साथ साथ एक जनगणना और कर दी, उसे बोला गया सोशल इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस। सोशल इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस 2011, 1931 के बाद पहली बार हमने सामाजिक आर्थिक आधार पर सेंसस एंड जनगणना की थी। 1931 का कारण था 1930 की आर्थिक मंदी, और 2011 का कारण है 2008 की आर्थिक मंदी के बाद हम जानना चाह रहे थे कि सच में हमारे यहाँ गरीबी का स्टेटस क्या है। इसलिए गरीबी का मापदंड डिसाइड कर दिया नॉर्मली। तो बोला गया कि देखो अगर जैसे इन्होंने क्या डिसाइड किया, दो चीज रखी, एक तो श्वेत निष्कासित यानी कि एक्सक्लूड, जिनको आप मान लें ये बीपीएल का नॉर्म है तो एक तो कुछ होंगे श्वेत एक्सक्लूड और एक होंगे श्वेत इंक्लूड, अपने आप ही उनको इंक्लूड कर दो, उनका कोई डेटा वेटा लेने की कोई जरूरत नहीं है, उनको इंक्लूड कर दो बीपीएल। और एक है वंचना की तीव्रता, इसमें से हम डिसाइड करेंगे कि वो व्यक्ति करना है नहीं करना। अब देखो एक्सक्लूड में यह कि अगर कोई व्यक्ति टैक्स दे रहा है तो उसको ऑब्वियसली डायरेक्ट गरीबी से बाहर हटा दो, वो गरीबी में आएगा नहीं। अगर कोई व्यक्ति का सरकारी नौकरी में तो गरीबी से बाहर कर दो डायरेक्ट, ऑब्वियसली अगर किसी परिवार में गरीब कोई सरकारी नौकरी का है तो गरीबी से अपने आप बाहर। अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमा रहा है तो गरीबी श्रेणी से बाहर हो गया, अगर किसी के पास जमीन है तो भी गरीबी श्रेणी से बाहर जाएगा। 2011 की जनगणना ने वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने के लिए बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई दोस्तों। क्या किया, क्योंकि इसमें जो जनगणना की गई थी उसमें पूछते थे जा करके कि भाई आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य। कितने सदस्य जो टैक्स भरते हैं? सर 1 सदस्य। कितने सदस्य जो गवर्नमेंट नौकरी में? कितने सदस्य जिनकी इनकम 10,000 से अधिक है? कितने सदस्य जिनकी जमीन है? तो उसके आधार पर सरकार के पास डेटा आ गया और उस डेटे को सरकार ने फिट कर दिया, और उसके बाद सरकार ने उनको जो डेटे को एनालिसिस किया तो डायरेक्ट टैक्स पेयर को बाहर कर दिया, चाहे वो बीपीएल में होगा उसका नाम, तो सरकार को फाइंड आउट हुआ कि फेक नाम है, जो व्यक्ति टैक्स भर रहा है वो कैसे बीपीएल भर सकता है। तो इसलिए ये फंडे में अपने आप बीपीएल की श्रेणी से बाहर कर दिया गरीबी से। और दूसरा सरकार ने बोला अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर डिपेंड है, अगर कोई व्यक्ति भीख मांग रहा है, अगर कोई व्यक्ति कूड़ा बीन रहा है, और अगर कोई व्यक्ति बेचारा फ्री में काम कर रहा है, इसको डायरेक्ट बीपीएल की श्रेणी में दर्जा दे दो। ये बढ़िया काम किया सरकार। इसके बाद देखा गया कि असली देखेंगे हम यहाँ, अगर कोई व्यक्ति वंचना की तीव्रता में कौन आएगा, वंचना की तीव्रता का मतलब है कि बीपीएल श्रेणी में उसकी स्टेटस क्या है, वो बीपीएल की जैसे मान लीजिए ये बीपीएल श्रेणी है और इससे नीचे कितना है, अगर इससे ऊपर तो अमीर है, लेकिन कितना अमीर है? एक तो व्यक्ति यहाँ है और एक व्यक्ति यहाँ है, जो व्यक्ति यहाँ है वो ज़्यादा अमीर है किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। तो वंचना की तीव्रता जैसा कि मैंने एक आपको पढ़ा दिया होगा लेक्चर 2 या 3 आप देखना उसमें आपको मिल जाएगा। तो इसमें बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति ST SC का है तो उसका डेटा लेकर के देखो गरीबी में आ रहा है नहीं आ रहा, वहां पर आपके नॉर्म्स काम करेंगे। फिर इसमें आपके नॉर्म्स काम करेंगे, जैसे नॉर्म्स क्या थे, 816 और 1,000 रुपये वाले। ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति 816 रुपये पर डे खर्च कर रहा है, मतलब पर मंथ खर्च कर रहा है, तो वो किससे बाहर जाएगा? गरीबी से बाहर जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब दोबारा समझो, मैं दोबारा बता रहा हूँ उसमें कि ये तो डायरेक्ट आपको नॉर्म्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, इनका तो काम हो गया, ये डायरेक्ट गरीबी से बाहर हो गए और ये डायरेक्ट गरीबी में आ गए। अब आपको नॉर्म्स लगाने पड़े यहाँ, और नॉर्म्स किसके ऊपर? ST SC के व्यक्ति के ऊपर। अगर एक कमरे का कच्चा मकान है, 16 से 69 आयु में कोई कमाने वाला नहीं है, महिला वयस्क है, 25 वर्ष से ऊपर है, तो ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं गरीबी के ज़्यादा नज़दीक है। लेकिन कितने गरीब है उसके लिए आपको नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे।
जैसे कोई 300 रुपये खर्च कर पा रहा है, कोई 200 खर्च कर पा रहा है, कोई 800 खर्च कर पा रहा है, तो 200 वाला वंचना की तीव्रता में ज्यादा है क्योंकि इसकी स्थिति बहुत खराब थी। इन्हीं मापदंडों के आधार पर सरकार द्वारा एमपीआई लाया गया, और एमपीआई आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और एमपीआई में हमने पॉवर्टी गैप को देखा। पॉवर्टी गैप में यह था कि देखो ये बीपीएल है, मान लो 100 रुपये आपने डिसाइड किया कि 100 रुपये कमाने वाला व्यक्ति बीपीएल की श्रेणी में, अब इससे नीचे आने वाला जितना ज्यादा इससे नीचे रहेगा वो व्यक्ति उतना ज्यादा गरीब रहेगा, और जितना ज्यादा ऊपर जाएगा वो व्यक्ति उतना ही गरीबी से दूर जा रहा है। अगर मैं बोलूँ एक व्यक्ति की इनकम 120 रुपये है, एक व्यक्ति की 150 है, एक व्यक्ति की 200 है, और इधर एक व्यक्ति 90 और एक व्यक्ति 10 है, तो वंचना की तीव्रता वाला ये गरीब इसकी ज्यादा अंतराल है, अर्थात ये व्यक्ति ज्यादा गरीब है। जबकि इसमें अगर बात करें तो ये व्यक्ति ज्यादा अमीर भी नहीं है, अगर इसको थोड़ी सी दिक्कत आई गरीबी में आ जाएगा। तो गरीबी अंतराल का मतलब है कि वास्तविक स्थिति का हम पता लगा लेंगे कि कोई गरीब तो है लेकिन कितना गरीब है और कितना अमीर है। इसलिए वर्ल्ड बैंक जो है उसका डेवलपमेंट रिसर्च ग्रुप के द्वारा ये पॉवर्टी गैप का कॉन्सेप्ट लाया गया, और पॉवर्टी गैप में कहा दिखाया गया कि गरीबी निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति की उस गरीबी रेखा से कितनी दूरी है, अगर जितना ज्यादा वो दूर जाएगा इसका मतलब उतना ही वो गरीबी होगा। अर्थात इसका मान उन्होंने 0 से 1 के बीच में रखा। 0 का अर्थ है वो बहुत ज्यादा गरीब है, और 1 का अर्थ है वो 0 का अर्थ शून्य, 0 का अर्थ गरीबी अंतराल शून्य है। जैसे मान लो इसमें कैसे लिया गया, जैसे ये बीपीएल लाए, अगर कोई व्यक्ति जस्ट इसके ऊपर है तो अंतराल शून्य हो जाएगा। मेन गरीबी की रेखा और उस व्यक्ति की इनकम दोनों में अंतराल क्या है, शून्य, तो इसका मतलब वो गरीबी श्रेणी बाहर नहीं है। और यदि वो व्यक्ति इस जितना ज्यादा दूर जाएगा, मान लो ऐसे 50 दूर गया, ऐसे 60 दूर गया इससे, तो जितना ज्यादा दूर जाएगा उतना ज्यादा गरीब होता जाएगा, ठीक है ना। इसलिए गरीबी अंतराल निकाला गया बीपीएल के आधार पर, समझ रहे ना। जैसे मान लो मैं फिर बोल रहा हूँ, जैसे ये गरीबी का अंतराल रखा हमने भाई 0 है, मतलब 100 रुपये रखा, मतलब इस नॉर्म रखा 100 रुपये। अगर मान लो एक्स व्यक्ति है, ऐसे एक्स व्यक्ति की इनकम भी 100 रुपये है, तो ये इसी पे फिट हो जाएगा, इसमें गरीबी का अंतराल नहीं है, ये गरीबी में नहीं है लेकिन गरीबी से ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो ये 0 हो गया। बाई व्यक्ति है, इसकी इनकम मान लें हम कह सकते हैं 80 रुपये, तो ये नीचे आ जाएगा। जेड व्यक्ति है, इसकी इनकम अगर मान लें 70 रुपये, और नीचे आ जाएगा। नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। अगर इसके बाद में मालूम ए व्यक्ति है, इसकी इनकम मान लें 120 रुपये, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो इस गरीबी रेखा से जितना ज्यादा नीचे की ओर जाएगा उसका मान, यानी कि 0 से जितना ज्यादा दूर जाता जाएगा वो उतना ही ज्यादा गरीब हो जाएगा। इसलिए इसका मान 0 से 1 की ओर रखा गया, क्योंकि तो अनुपात में निकालेंगे इसको। जैसे 100 बाई अगर बात करूँ मैं, 100 पे है तो अंतराल ज्यादा दूर नहीं क्योंकि रेखा उसी के ऊपर है, और अगर नीचे है तो रेखा उससे दूर है। इस आधार पर 1 की तरफ जाने पर गरीबी बढ़ती है, और 0 की तरफ आने पर गरीबी अंतराल 0 होता है, और 0 से इधर आगे जाएंगे तो आप गरीबी श्रेणी से ही बाहर निकल जाओ। तो ये था आपका पॉवर्टी गैप, और ये पॉवर्टी गैप का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। 0 का मतलब है कि आपकी पॉवर्टी रेखा के ऊपर है, अर्थात आप गरीब नहीं हो, और 1 का मतलब है कि आप पॉवर्टी रेखा से दूर हो, अर्थात आप गरीबी श्रेणी में हो, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से गरीबी वाला जो टॉपिक था हमारा मोस्टली यही था, हमने इसमें से अच्छे पढ़ने की कोशिश करी है। अब हम थोड़ा सा बेसिकली गरीबी से जुड़ी हुई सरकार की योजनाएं और क्या स्टेटस है इससे जुड़ा हुआ फैक्ट है उसको देख लेते हैं दोस्तों। यही हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम होगा, क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी के आएंगे तो आपके पास फैक्ट जरूर होना चाहिए, इसलिए हमने आपके साथ फैक्ट भी लिए है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। आज गरीबी का टॉपिक बिल्कुल ही कंप्लीट करना है, चाहे वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाए। आपसे सिर्फ इतना निवेदन दोस्तों कि आप इन वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर अच्छे से पढ़ लिए, देख लिया और समझ लिया तो कोई क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। मैंने आपको अभी तक बताया था गरीबी क्या है, फिर गरीबी के प्रकार बताए दोस्तों, फिर गरीबी के प्रकार बताए, गरीब बताए, और गरीबी के नॉर्म्स, नॉर्म्स है मापदंड है उनको बताया, पूरा विकसित किया आपको शुरू से लेकर के एंड तक, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि गरीबी है इसको दूर करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर, और यूनिवर्सल बेसिक इनकम के पक्ष विपक्ष को देखा, और फिर मैंने आपको निष्कर्ष भी बताया किस तरीके से करना। तो गरीबी से जुड़ा हुआ चीज़ें ऐसे ही आ सकती। अब हम थोड़ा सा देखेंगे उसके डेटा देखेंगे, फिर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, तभी टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो अब इसमें देखते हैं सबसे पहले, तो एक मतलब नॉर्मली हमारा टारगेट अभी जो SDG के टारगेट है उसमें गरीबी को दूर करने के लिए टारगेट रखेंगे। दोस्तों मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ,
आपको स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के एग्जाम देनी है, तो एचडीजी के जो 17 टारगेट हैं उन 17 टारगेटों को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। बहुत जगह उनके फैक्ट, कॉन्सेप्ट, सजेशन, सिचुएशन आपको ज़रूरत पड़ेगी और वो आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्पफुल रहेंगे। मैं उनको ज़रूर पढ़ाऊंगा आपको एक तक कि एचडीजी के 17 टारगेट क्या है और उनमें भारत का रोल क्या रहा, भारत ने कितना उसमें काम करने में सफल रहा और कितना भारत ने अब तक उन टारगेट अचीव कर लिया, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। बट अभी आप इनको देखो, ठीक है ना। तो उसमें हमने लक्ष्य रखा था एचडीजी में कि एक्सट्रीम गरीबी, अभी एक्सट्रीम गरीबी को अगर देखें तो एक्सट्रीम गरीबी का एक नया परिभाषा दी गई थी कि अगर कोई व्यक्ति जो पर डे, अगर कोई व्यक्ति पर डे $1.9 से भी कम कमा रहा है या खर्च कर पा रहा है तो गरीबी की श्रेणी में आ जाए, ठीक है ना। ये हम आगे देखेंगे, इसको करंट में देखते हैं, ठीक है ना, और इसको हम एचडीजी टारगेटों में भी देखेंगे। तो भारत का टारगेट है कि हम एचडीजी के टारगेट पर, इससे पहले जो सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में, उसको तो बिल्कुल बाहर करना है गरीबी से, ठीक है। दूसरा, आर्थिक दायरे से बाहर निर्धनता के सभी रूपों की पहचान करनी। हमें निर्धनता केवल आर्थिक क्षेत्र तक नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तक भी रखना, ये हमारा लक्ष्य दोस्तों। और हमें सबसे बड़ी बात है MPI के आधार पर मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी लाइन है, इंडेक्स है, उसके आधार पर गरीबी का मापक करके उन सारी समस्याओं को दूर करना है। और उसमें 10 मापक है और यदि 10 मापक में यदि आपने काम कर लिया, 10 स्टैंडर्ड में यदि आपने काम कर लिया, तो आप गरीबी से बाहर निकलवा देंगे और वह गरीबी गुणवत्तापूर्ण होगी, उसमें गरीबी की श्रेणी से बाहर निकल के जो काम करेंगे आप, वो व्यक्ति कभी दोबारा गरीबी की श्रेणी में नहीं आएंगे। अगर भारत में डेटा देखें दोस्तों, तो मैंने बताया 36 करोड़ लोग अभी भी लगभग गरीबी से नीचे हैं। ये डेटा 2020-21 का है दोस्तों, ठीक है, लेकिन आप इस डेटा का यूज कर सकते हैं। लगभग सबसे ज़्यादा काम किया हमने 2005 से लेकर के 2015 तक, 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। अगर दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि 1991 के नए आर्थिक सुधारों ने क्या काम किया, तो उनमें एक पॉजिटिव पॉइंट लिख देंगे, गरीबी को कम किया। और एग्जाम्पल हमारे पास है 2005 से लेकर के 2015, और हाल ही में डेटा है लगभग इसमें ये 40 करोड़ हो गया टोटल, 40 करोड़ लोगों को 2005 से लेकर के 2019 तक हम 40 करोड़ पॉपुलेशन को गरीबी की श्रेणी से बाहर निकाल चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। चरम, मैंने बताया ना, चरम का मतलब $1.9 अगर कोई व्यक्ति, ये ग्लोबल लेवल पर डेफिनेशन है, $1.9 अगर को डॉलर है उसको एक यूनिट माना गया है और उस अगर कोई व्यक्ति कंज्यूम नहीं कर रहा तो चरम गरीबी है। और इसने बोला कि गरीबी का कारण सबसे ज़्यादा यह है कि युद्ध और संघर्ष, जिन देशों में आपको बताया कि अगर कोई देश में युद्ध होता है, युद्ध की स्थिति में आपको पता है कि उसका विकसित विकास संबंधी गतिविधियां रुक जाती है, सारा खर्चा उसका सैन्य में हो जाता है, सारे उद्योग धंधे उसके कमजोर हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में वहां गरीबी भुखमरी बढ़ जाती है। तो विश्व में 40% जो गरीबी है वो कहां पर है, विशेषकर मध्य अफ्रीकन देश, पश्चिमी एशिया के देश जहां पर लड़ाइयां होती रहती है, इन उन देशों में ज्यादा है जहां पर युद्ध और संघर्ष ज्यादा होते हैं। ये फैक्ट है आपके पास, तो गरीबी से रिलेटेड दोस्तों आपके पास फैक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा, अब गरीबी को दूर करने के सरकार ने क्या प्रयास किए, तो दोस्तों सरकार ने प्रयास किया गया, तो देखो सरकार ने योजना चलाई दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चलाया गया, जिसके अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में एक तो लोगों को इस प्रकार से स्किल दिया जाएगा ताकि वो लोग स्किल होकर के रोजगार प्राप्त कर सके और गरीबी से बाहर हो जाए। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों के लिए योजना चलाई, फिर मनरेगा चलाई ताकि लोगों को रोजगार मिले, PM किसान समिति किसानों की गरीबी को दूर करने के लिए उनको 2,000 रुपये दे गए। दोस्तों अगर आप देखें तो 2,000 रुपये अमीर व्यक्ति के लिए या जो 1,00,000 रुपये कमा रहा है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वह किसान जो गरीबी में जी रहा है उसके लिए 2,000 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए PM किसान सम्मान निधि योजना ने कहीं ना कहीं किसानों को 2,000 रुपये दे करके उनको खाद बीज खरीदने तक के पैसे दिए, खाद बीज खरीद करके वो फसल उगाएगा तो उसके 2 से 10 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, इस आधार पर उसकी इनकम बढ़ेगी, गरीबी से अपने आप बाहर निकल जाएगी। हमारे यहाँ गरीबी का सबसे बड़ा कारण है हमारी कृषि का पिछड़ापन। अभी गरीबी के कारण भी देखेंगे हम थोड़ा सा, गरीबी का मेन कारण है। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर लोगों को रहने के लिए घर मिल जाएगा तो ऑब्वियसली आप एक उनका स्टैंडर्ड पूरा कर चुके होंगे। एकीकृत बाल विकास यानी बच्चों का विकास अच्छे से होगा, उनको स्किल दी जाएगी, उनको हेल्थ सुविधा दी जाएंगी इस कार्यक्रम के अंदर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसके अंदर उनको खाद्यान्न सुविधा दी जाएगी।
और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो COVID-19 के दौरान चली थी, इतनी सारी चीज़ें अगर हम चलाएंगे इसमें और भी जोड़ सकते हैं दोस्तों, ये है। इसके अलावा आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट, सबसे ज़्यादा आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट से स्वास्थ्य क्षेत्र में आपको बीमा मिलेगा 5 करोड़ रुपये तक का। भारत में गरीबी बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय। व्यक्ति गरीब होता है जब उसका पॉकेट भर जाए, क्योंकि एक व्यक्ति चाहे कितना ही गरीब क्यों न हो, कैसी भी स्थिति हो, अपने परिवारजनों को बचाने के लिए वो कुछ भी खर्च करने को तैयार होता है। और एक बार व्यक्ति जब अपने, आपने देखा होगा बहुत सारे परिवार आप देखेंगे कि किसी का पिताजी कैंसर में था, बहुत सारे उसने पैसे उधार लिए, और उधार लेने के लिए पिताजी तो बचे नहीं, लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ी पूरी लोन में कर्ज में डूब गई और वो कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाई। इसलिए अगर उसके पिताजी का इलाज फ्री में हो जाता तो वो परिवार कभी गरीब नहीं जाता। एक डेटा आया था काफ़ी दिन पहले कि भारत में 6 करोड़ लोग पर साल अगर गरीबी में एंट्री करते हैं, उनका मेन कारण है हेल्थ में होने वाला उनका खर्च। इसीलिए सरकार ने योजनाएं चली हुई, जब भी आपके पास आए कि सरकार ने क्या प्रयास किए, इतने प्रयास किए और इन प्रयासों का रिजल्ट क्या रहा, तो इसका उदाहरण दे सकते हैं ये वाला, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन के लिए फैक्ट हमने बता दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ हमारे पास अभी भी चैलेंजेस है। सबसे पहला चैलेंजेस है हमारा कि दोस्तों भूमि का असमान वितरण। अगर भूमि का वितरण सही होता तो कृषि में किसानों तक उनकी पहुंच सही होती तो अच्छे से वो करते। दूसरा कारण है हमारे यहाँ जो अधिकारी करप्टेड जा रहा है, जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है सबको पैसे खा जाते, तो इसलिए एक तो, और तीसरा लोगों की भागीदारी इसमें कम होती है लोकल लेवल पर। अगर आपको गरीबी को दूर करना है सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट करो, दूसरा लोकल गवर्नमेंट है उनकी पार्टनरशिप ज़्यादा जरूरी है, तीसरा जहाँ जहाँ पर गरीबी ज़्यादा है वो उन क्षेत्रों को हाईलाइट करके उन पर विशेषकर टारगेट चलाया जाए, और दूसरी बात सभी हितधारक चाहे ग्लोबल हो चाहे राष्ट्रीय हो सभी सहयोग करेंगे तो गरीबी से दूर हो सकते हैं। क्योंकि गरीबी अगर हम देखें दोस्तों, गरीबी के कारण मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया था, अब बता दूँ नॉर्मली गरीबी के कारण देखें हमें तो पहला गरीबी का कारण अगर देखें दोस्तों, गरीबी के वैसे बहुत कारण है लेकिन हम मेन मुद्दे जो हाईलाइटेड रहे वो देखेंगे, तो पहला गरीबी का कारण अगर देखें तो गरीबी का कुछ चक्र ही गरीबी का एक कारण है। पहला क्यों, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक बार गरीबी में आ गया तो ना तो वो शिक्षा प्राप्त कर पाएगा, ना स्वास्थ्य प्राप्त कर पाएगा, और फिर वो गरीबी में चला जाएगा, फिर दोबारा उसकी गरीबी रहेगी, फिर वो शिक्षा स्वास्थ्य नहीं कर पाएगा, तो फिर वो गरीबी में चला जाएगा, कभी गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकलेगा। दूसरा कारण है दोस्तों इसका कि गरीबी मैं वो कारण बता, वैसे तो आपको पता है सारे कारण, मैं वो कारण बता रहा हूँ जो आपको क्वेश्चन जरूर लेना चाहिए। वर्तमान में एक और कारण है भारत में कृषि का पिछड़ापन, सबसे महत्वपूर्ण कारण कृषि का पिछड़ापन, क्योंकि आपको पता है भारत की लगभग 50% की पॉपुलेशन इस पर डिपेंड है और इनकी आय कम जो है तो अपने आप गरीब में चले जाएंगे, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूं भारत में गरीबी की तो अब एक कारण बढ़ रहा है स्वास्थ्य पर होने वाला खर्चा। चौथा कारण देखूं तो जलवायु परिवर्तन अभी एक कारण हो चुका है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन वजह से स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य जैसी बीमारी हो रही है। और एक कारण हम देख सकते हैं प्रशासनिक असफलता, प्रशासनिक बाधा, असफलता शब्द अच्छा नहीं होगा, प्रशासनिक बाधा। और उसका मेन कारण है कि हमने जो वास्तविक जो कार्य है जिसमें था गरीबों को एम्पावर बनाना, उस पर कम फोकस किया, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमें। तो ये मेन कारण है, बाकी तो आप सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक 50 कारण लग सकते हो गरीबी के, तो लेकिन ये मेन कारण है। तो अगर दोस्तों अब इतने हमने गरीबी का टॉपिक पढ़ा, इतने फैक्ट फिगर सब चीज़ पढ़े, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ गरीबी का कभी भी कोई क्वेश्चन आए आपको निष्कर्ष हमेशा लिखना है, निष्कर्ष हमेशा गरीबी या किसी भी समस्या का निष्कर्ष निकलना, गरीबी से जुड़ी हुई समस्याओं का अगर निष्कर्ष निकलना है तो उसका एक ही निष्कर्ष है कि हमें गरीबों को एम्पावर बनाना होगा, इसके लिए शिक्षा स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है, अगर हमने गरीबों को स्किल कर दिया, अगर लोगों को फ्री में इलाज मिलने लग गया, फ्री में शिक्षा मिलने लग गई,
कोई गरीबी की स्थिति में रहेगा नहीं, अपने आप व्यक्ति कमा करके उनको खुद को कमाने दो, उनको सक्षम बनाओ, डिपेंड नहीं। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, डिपेंड बनाते हुए हैं, इसलिए गरीबी कभी खत्म हुई नहीं। दोस्तों अब हमने टॉपिक खत्म कर लिया है, अब इससे क्वेश्चन एक हम आपको लिख सकते हैं थोड़ा सा। अब क्वेश्चन लिख लो तो मेरे जो दोस्त जो रेगुलरली आंसर राइटिंग फॉलो करते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन हम बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिख लो आप, क्वेश्चन पहला यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है, गरीबी निवारण में इसका प्रयोग किया जा सकता है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यानी कि व्हाट इज यूबीआई कैन बी यूज यूबीआई टू एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, है ना, ठीक है ना। क्रिटिकल रिव्यू करी, मतलब इंग्लिश कर दिया इसको मैंने, आप देख लेना, क्रिटिकल रिव्यू करना है इसको आपको। एक क्वेश्चन तो आपको यह दोस्तों जरूर है, दूसरा क्वेश्चन और देखो, नए आर्थिक सुधार, क्या हम इसमें एक शब्द ले सकते हैं, 1991 के आर्थिक सुधार भारतीय गरीबी को कम करने, भारत में भारत नहीं भारत में गरीबी कम करने में सहायक रहे, आलोचनात्मक अधीक्षण कीजिए, यानी कि 1991 के बाद सरकार ने जो सुधार किया एलपीजी को अपनाया और उसके बाद सरकार की जो योजनाएं आई उनसे कितनी गरीबी कम हुई और कितनी अभी तक बनी हुई है, और अभी तक बनी हुई है उनका कारण क्या है, उनको समाधान की क्या सोच है। इन दो क्वेश्चनों को आप लिखने की पूरी कोशिश कीजिए, इन्हीं से घूमता फिरता हुआ और इन्हीं से बना हुआ क्वेश्चन यूपीएससी जीएस 2, यूपीएससी जीएस 3 और यूपीएससी जीएस 1 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा दोस्तों, इसलिए आप उसको अच्छे से करो, समझो और गरीबी से जुड़े हुए सारे फैक्ट सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से आपको यूज करें। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि हमारे जो दोस्त सच में जिनको ज़रूरत है और जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, जिनको सभी चीज़ों की ज़रूरत है, उस तरीके से हमें चीज़ बताई जा रही है और बहुत फास्टली हम तरीके से इसको सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा गरीबी टॉपिक खत्म हो गया, कल रोजगार वाला टॉपिक आएगा उसको खत्म करेंगे, थोड़ा बड़ा है लेकिन ज़रूर कोशिश करेंगे उसको। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ कॉन्सेप्ट वाली चीज़ इकोनॉमी में घट रही है, बैंकिंग सिस्टम, मौद्रिक सिस्टम, बजट सिस्टम, इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ेंगे, बजट को पढ़ेंगे, करंट तो हम साथ में पढ़ ही रहे, तो मंथली मैगजीन भी पढ़ रहे हैं करंट की, हमारी मई की मंथली मैगजीन हो चुकी है, उसका लास्ट वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, इसके बाद जून की मंथली मैगजीन को पढ़ेंगे और इस तरीके से दोस्तों हम मैगजीन पढ़ रहे हैं, इस तरीके से हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें आपको रियलिटी में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की डिमांड के आधार पर पढ़ाई जा रही है, बट ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरीके से इनको लेते हैं, कितना फ़ायदा उठा पाते हैं, ठीक है। इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखें, संडे के दिन दोस्तों हम 9 बजे आपके साथ लाइव डिस्कशन करेंगे, तो हमारे जिन दोस्तों को कोई भी डाउट है, किसी प्रकार का कोई डाउट है, वो 9 बजे संडे को हमारे साथ लाइव जुड़े, उसका लिंक हमने यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, आप उसको ज्वाइन करें। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।